हेलो एवरीवन, तो सीयूटी पीजी के अंतर्गत जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का अगेन फिर से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है फॉर पीजी प्रोग्राम। अब जिनके कम मार्क्स है, जो चाह रहे थे कि उनका एडमिशन हो जाए आपके ठीक ठाक नंबर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर स्टूडेंट वो जा कर के रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। सारी डिटेल समझेंगे क्या जो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, क्या इनको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें समझेंगे। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुका था और उसकी 1.4 यानी आपके चौथे लिस्ट तक जो है आ चुका है आपके एडमिशन, मतलब जारी कर दिया गया। कल आपके एक नई लिस्ट आई है और आप जाके चेक भी कर सकते हैं उसको और अपना जो है देख लीजिए कि एडमिशन हुआ है, तो अपना फ़ीस भी जाके पे कर दीजिए। तो यहाँ पर जो बात करेंगे कि जो अभी नई वाली आई है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग नोटिस, उसको देखते हैं। तो इसमें ऑलरेडी लिंक गिवन है, साथ साथ याद रखिएगा कि जो है आपकी फ़ीस जो लगेगा वो 500 फॉर UR OBC EWS कैटेगरी के लिए है, और आपके अगर हम बात करें SC ST PWD कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ है आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अब फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट काउंसलिंग नीड नॉट अप्लाई अगेन, यानी जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको ज़रूरत नहीं है करने की। बट दोज कैंडिडेट हु आर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर PG एडमिशन इन राउंड 1.1 to 1.4 ड्यूरिंग फर्स्ट काउंसलिंग बट फी वॉज नॉट डिपॉजिटेड, इफ़ दे वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड काउंसलिंग दे विल हैव टू फिल सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट 1.1 से लेकर के 1.4 जो आपका लिस्ट आया है उसमें जो सेलेक्ट हुए हैं और किसी कारणवश वो अपना फीस नहीं डिपॉजिट कर पाए थे, उनको यहाँ पर चांस दिया जाएगा, वो इस काउंसलिंग में ये जो सेकेंड रजिस्ट्रेशन वाला है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जा कर के, और जो फीस है या फिर जैसे आप मान लीजिए वो आपको उसको पे करना पड़ेगा, ठीक। तो इसी वजह से ये फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द प्रोग्राम वाइज लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड एंड कम्प्लीटेड देयर एप्लीकेशन ऑन द पोर्टल, लिस्ट फॉर प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड। अब देखिए, जो सेलेक्टेड होंगे उनका कैंडिडेट का लिस्ट आएगा और आपको पर्टिकुलर डेट दी जाएगी, उस डेट पर आपको फीस पे करनी होगी, ठीक है। और आप कैंसिल भी कर सकते हैं अपने, मान लीजिए कि आपको सीट एलोकेट हो गया, आपने फ़ीस सबमिट कर दी, आप चाहते थे कि नहीं एडमिशन लें, तो आप अपना कैंसिल भी करवा सकते हैं। द कैंडिडेट द एडमिशन टू PG प्रोग्राम विल बी प्रोविजनली सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग बाय द स्टूडेंट। तो आपको जो है आपको फिजिकल वेरिफिकेशन भी जाके करवाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 अगस्त यानी आज से शुरू हो रहा है और आपके 20 अगस्त तक यहाँ पर आपके चलेगा। फिर हम बात करें यहाँ पर जो जो लिस्ट आएगी वो आपके 22 तारीख को लिस्ट आएगी और 23 तारीख को लास्ट डेट रहेगा फ़ीस सबमिशन का। फिर जो सेकंड लिस्ट है वो आपके 24 तारीख को आएगी, 25 तारीख लास्ट डेट रहेगा। फिर लिस्ट जो है 26 तारीख को आएगी और लास्ट डेट जो है आपके रहेगा फ़ीस पेमेंट करने का। आफ्टर दिस, अगर अब इसके बाद कोई आपके इन केस की एक तरीके से अगर सीट बचा रहता है तो जो है नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन भी आएगा, जिसको ये स्पॉट राउंड या फिर मॉपअप राउंड कह सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा उन स्टूडेंट के लिए जिनके बहुत कम मार्क्स थे, 100 के नीचे थे, 50 के बिलो लाई कर रहे थे, 150 के भी नीचे हैं, चाह रहे थे ठीक ठाक यूनिवर्सिटी मिल सकती है, तो यहाँ पर जा कर के रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। यानी कहीं ना कहीं इनका फ़र्स्ट काउंसलिंग में, यानी जो फर्स्ट आपका काउंसलिंग हो रहा था उस पर कहीं ना कहीं इनकी सीट पूरी तरीके से भर नहीं पाई है, ठीक है। अब जो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारी अपडेट रहेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जो है जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। धन्यवाद।